कर तो दरबार में बुलाई। आनंदी आनंद दे रहे बाबे जी मेरे की और साल की भक्तों का जो जुनून है वो देख के ही बन रहा है। बहुत ही शानदार नजारा है ये। शानदार माहौल। जय बाबेरी, जय बाबेरी। जदमंता पूरी होवे तो पैदल। सजावट की गई है बहुत ही अच्छी। मलता पूरी होवे तो पैदल थारे आवे। मारी मलका द्वारे मेले में आप जैसे देख रहे हैं सभी का अपना अपना एक अलग रंग होता है। आपका एक अलग रंग दिख रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार इनका जो देखिए साफा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य व्यास व्लॉग्स पर। ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे रामदेव मेला 2022 का वीडियो एपिसोड 3 नंबर है और इस पर हम अभी बीकानेर से कोलायत के आगे दियात्रा की तरफ जा रहे हैं और सभी भाई बंधु साथ में मस्ती ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेले की मस्ती जो है वो इस तरह से हो रही है कि हम एक गाड़ी पिकअप में हम बैठे हैं और सभी भाई बंधु देख सकते हैं साथ में इंजॉय कर रहे हैं मेले का। सभी भाई बंधु जो हैं वो मस्ती ले रहे हैं फुल। कैसे जय बाबेरी, जय बाबेरी, आनंद फुल, आनंद फुल, आनंद एकदम फुल। हम कोलायत के आगे दियात्रा तक जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे मेले की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी जो कोलायत में मेला जो है वो लगभग कोलायत से निकल चुका है और अभी मेला आ गई है तो हम उधर जाके आपको पूरी कवरेज देंगे मेले की। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे हम आपको पूरी मेले की कवरेज देंगे, आगे रुणीचा तक आपको दर्शन करवाएंगे। चलिए चलते हैं। साथ में योगेश है। योगेश बताइए कुछ इस यात्रा के बारे में अपनी। सबसे पहले तो रामदेव जी के जन्मदिन की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इसमें आपको ऐसा है कि हम सारे जा रहे हैं वहाँ पे तो कुछ ना कुछ एक ऐसा सरप्राइज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इस वीडियो के आगे थोड़ा सा आप आगे देखेंगे उसमें आपको वहाँ पे वीडियो में सरप्राइज देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, क्योंकि वो सरप्राइज है जो एंड में ही आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर। तो इसी के साथ हम सारे दोस्त ने बंदे ने जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये कॉलेज से आगे जो है मेला जो चल रहा है लगातार लंबी कतारों में बाबा के भक्त जो हैं वो चल रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो मेला है वो बिल्कुल जोश के साथ में चल रहा है। जय बाबेरी। देखिए बहुत ही अधिक मेला जो है यहाँ पे लगातार चल रहा है। मेला लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही शाम का समय है और बहुत ही शानदार माहौल है। देखिए बाबे के भक्त जो है वो झूमते हुए नाचते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल नाचते हुए झूमते हुए। अभी शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और हम सभी भाई बंधु साथ में मेलों का आनंद ले रहे हैं। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, देखिए आप मेरे साथ दृश्य देखिए। इधर आप भीड़ देख सकते हैं, लगातार मेला जो है वो लगातार आ रहा है एकदम कतार के रूप में और जय बाबेरी के उद्घोष के साथ में मेला चल रहा है। देखिए यहाँ पे भगत, देखिए बिल्कुल बिल्कुल जोश के में और भक्तों का जो जुनून है वो देखते ही बन रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा है ये। देखिए बोल दो, क्या बात है, बहुत ही शानदार। जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी। बहुत ही शानदार नज़ारा आप अभी देख रहे थे और हमारा ये जो इस रामदेव मेला 2022 का ये तीसरा एपिसोड है और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो अभी इसी मेले में आपको देखने को मिल रही है। देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा है, पूरा मेला जो है यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही शानदार, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी जोश के साथ में रामदेव जी के मेले में आनंद ले रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सभी भाई बंधु साथ में हमारे हैं और
जिस तरह से सोनी जी से बात करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद है, बहुत ही ज़्यादा आनंद है। भीड़ देखो आप, सब आनंद ही आनंद ले रहे हैं बाबे की मेले की। दो साल की कसर पूरी कर रहे हैं, दो साल की कसर की कोरोना के बाद इतना आनंद आ रहा है। देखो लोगों की भीड़ देखो आप, एकदम मतलब इस बार जो है भीड़ वो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे साथ में भक्त जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं आप, सारे बहुत ही शानदार। अभी हम नोखड़ा के पास में टोल प्लाजा के आगे यहाँ पे सोनी संघ नापा सर जो है वो यहाँ पे उपस्थित है, और यहाँ पे कई वर्षों से यहाँ पे ये जो संघ है ये यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं और जो है विश्राम करते हैं। तो रामदेव जी के मेले में अभी भक्तों की जो आपने मेले में कतार देखी है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है मेले में इस बार। तो बात करेंगे यहाँ के संघ से, किस तरह से यहाँ पे ये जो सुविधा है, बाबा का जन्मोत्सव भी आज मना रहे हैं क्योंकि आज भादवे की जो है बीज है तो बाबा का जन्मदिन भी है। तो बात करेंगे ज्योति प्रकाश जी से। नमस्कार। नमस्कार। जय बाबेरी। जय बाबेरी। ये जो आप जो संघ है ये कितने सालों से यहाँ पे? ये मेड़ क्षत्रिय सोनी संघ नापासर से आता है और तकरीबन 2003 और 4 से इसकी स्थापना हुई थी, और हमारे जो नंदलाल जी जोड़ा है वो कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य शुरू में इसके रहे हैं। उसके बाद से हमारे समाज के कई जो विवेकशील पुरुष थे वो सब इनसे जुड़ते गए और संघ बनता गया और बढ़ता गया, और 20 साल इस संघ को स्थापित हुए हो गए हैं। तो इस बार जो कोरोना काल के बाद में जो यहाँ पे भक्तों का उत्साह देखा गया है, वो आपने पीछे भी जो कतार से लगातार लोग जो आ रहे थे, नाचते झूमते हुए आ रहे थे लोग, तो बिल्कुल निश्चित रूप से बाबा की कृपा है उन पर इस बार। और अधिक से अधिक मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो रामदेरा का मेले का आनंद लें, क्योंकि इस बार जो है ये विशेष रूप से यहाँ पे जो आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका सर? शिव प्रकाश। इस बार जो मेला लगा है आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्या खुशी है इसमें? बहुत ही ज़्यादा खुशी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा के इस मेले का हर साल हमको इंतज़ार रहता है कि बाबा का मेला कब आएगा। बिल्कुल, ये जो बाबा के जो भक्त होते हैं उनके लिए एक भावुक क्षण हो जाता है, क्योंकि जो लोग हर साल इस बाबा के मेले को ही, मतलब एक बीकानेर में एक शब्द होता है उड़ीक, तो उड़ीक रहती है उसकी, बिल्कुल पूरी पूरी उड़ीक रहती है। संघ जब से स्थापित हुआ है, शिव प्रकाश मेरा छोटा भाई है, तो संघ जब से स्थापित हुआ है तब से ये पैदल आ रहा है। जैसे संघ की 18वीं फेरी है वैसे इसकी भी 18वीं फेरी है, और बहुत से इससे भी सीनियर जो हमारे जो कार्यकारिणी के जो मार्गदर्शक हैं, जो मार्गदर्शन मंडल जो हमारा है, वो उनका सहयोग जो है और उनका स्नेह, नेमीचंद जी, मालचंद जी, विशेष तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा जयदयाल जी सोनी का, वो शुरू से ये जुड़े हुए हैं। और ये मार्गदर्शन मंडल जो है ये इस मंडल ने अपने जो अनुभव के आधार पर इस संघ को स्थापित किया, इसको संचालित करते हैं, और बड़े ही उत्साहपूर्वक तरीके से वे इस संघ को रामदेवरा तक लेके जाते हैं, और जिसमें बाबा की कृपा विशेष तौर से सभी भक्तों पर रहती है। 18 साल हो गए मुझे भी देखते हुए इस संघ को, भगवान की दया से, प्रभु रामदेव जी के आशीर्वाद से कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि किसी की कोई तकलीफ हुई हो, या कोई जिसे जैसे जहरीले जानवर जो जीव जंतु जो होते हैं सांप वगैरह उनकी भरमार रहती है, लेकिन 18-20 साल में कभी एक दिन भी ये नहीं सुना कि किसी भक्त को, किसी पैदल यात्री को किसी जहरीले जीव ने डस लिया हो या इस तरह की कोई क्षति हो गई हो। उत्साह से ढोल नगाड़ों के साथ आनंदपूर्वक जाते हैं और आनंदपूर्वक आते हैं, ये सब ऊपर वाले उस सांवरे की कृपा है। देखिए आप देख सकते हैं बाबा की जो चमत्कार ही है ये, क्योंकि इतने यहाँ पे ये जो जंगल है पूरा इधर है तो किसी को कुछ क्षति नहीं हुई है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। अभी 500 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, 500 लोग अभी एक संघ में अभी मौजूद हैं। आज बाबा की दूज है और आज उनका जन्म उत्सव है, और उनके इस प्राकृतिक दिवस पे अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरह से भक्तों का उत्साह जो है वो देखते ही बनेगा। एक मैं आपको भाई साहब आपको कहना चाहता हूँ, आपका जो साफा है बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपका अलग ही लुक आ रहा है, क्योंकि मेले में आप जैसे देख रहे हैं सभी का अपना अपना एक अलग रंग होता है, आपका एक अलग रंग दिख रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार इनका जो देखिए साफा, खम्मा।
देखिए बहुत ही शानदार जयकारों के साथ में इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा जयकारा लगाया। भगवान एकदम रामदेव जी जो है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खुश होंगे इस बात को। बोलिए आप यूँ कह सकते हैं कि जंगल में मंगल है। बिल्कुल देखिए जंगल में मंगल है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं कहीं जंगल में या कहीं अलग भीड़ में आ रखे हैं। बिल्कुल ऐसा माहौल है, घर जैसा माहौल है। जो भी लोग हैं यहाँ पे पुरुष महिलाएं बच्चे सब इस तरह से हैं जैसे ये घर का ही माहौल है। आप सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सोनी। ये जैसे आप संघ में आते हैं तो जैसे संघ में मान लो कोई यात्री है जो आपके साथ में वो पीछे छूट जाता है या फिर तबीयत खराब हो जाए तो उसके बारे में आपका मतलब क्या उपचार रहता है फिर संघ में? के साथ में दो तीन गाड़ियां चलती हैं, वो सब आगे से पीछे जितने भी यात्री हैं जैसे अभी 70 से लेकर 100 यात्री है संघ में, सबको पीछे से देख रेख करते हैं। किसी की तबीयत खराब है तो उसको गोली दवाई पानी सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबका ख्याल रखा जाता है एक बराबर। देखिए बराबर ध्यान रखा जाता है क्योंकि संघ का एक अपना एक अलग महत्व है। ये संघ में जैसे आते हैं तो ये जैसे पैदल चल के आ रहे हैं फिर अपनी एक जगह पर खुद खाना बनाकर और खुद ही सारे काम करते हैं उसके बाद आगे फिर पैदल यात्रा करते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मेहनत का काम होता है। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, बाबा रामदेव जी की जय हो। जय हो बाबा रामदेव। जाती है जैसे ही मिलेगा पता चलता है, जैसे कहते हैं ना कि घूघरे बन जाते हैं, वही बात है क्या? कश्मीर फैला है हमने बोला, देख लिया। कहीं नहीं जाना जिसको बाबा के मेले में आना है, शिमला कश्मीर सब उसके आगे फैल है, बिल्कुल फैल है। देखिए आप सजावट जो है बहुत ही शानदार सजावट की गई है, रामदेव जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही अच्छी सजावट। जैसे कि आमतौर पर जन्मोत्सव पर जो सजावट की जाती है विशेष आकर्षण है ये संघ का। देखिए आप बहुत ही अच्छी सजावट की गई है यहाँ पे, ये बाबा की भक्ति का ही एक एक आप बोल सकते हैं कि भक्ति के कारण ही, भक्ति में ही शक्ति है। और बिल्कुल इस जगह पर आप देख सकते हैं चारों तरफ करीबन 500 से 600 लोग यहाँ पर हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय पर रामदेव जी के जन्मदिन के अवसर पर 21 किलो का केक काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं दृश्य, नोखड़ा से कुछ ही किलोमीटर पहले ये आप दृश्य देख रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से भक्त जो है वो आनंद ले रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, आगे रामदेवरा सीरीज़ में अगला पार्ट जो होगा उसमें आपको रुणीचा धाम के दर्शन भी करवाए जाएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय बाबा जी।